थोड़ी देर बाद वही एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है, सॉरी पहले 16 था जो बाद में बन जाता है 13। तो यहां पर ये बता रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो चेंज हो रहा है वो कितनी दूरी पे हो रहा है वो आपको यहां पर शो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो चेंज हुआ है, तो जो पहले आपका 60 था वहां से 30 पर जाने पर मतलब जाने के लिए जो गया उसके बीच में कितना डिस्टेंस हुआ वो हमको निकला कैसे देखना है। ये आपका बलून ठीक है, कहने की लड़ाई अच्छी गई बलून क्यों बनाना लगता है इसी हाइट के ऊपर इसकी हाइट 88.2 मीटर ठीक है। अब एक लड़की है इसकी जो हाइट है आप देखो ये 188 जो है ना ये इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ये यहां तक आ रहा है, ये जा रही है लैंड पे जमीन पे नहीं, बट ये इसकी पूरी हाइट है पर इसका एंगल ऑफ एंगल की यहां से बन रहा है इसकी आंख से वो कितना बन रहा है ठीक है। और यहीं से वापस वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अभी तक बन रहा है तो हमको क्या निकालना है कि यहां से यहां जो जा रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जब एंगल चेंज हो रहा है तब तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पता समझे। पूरा तो हम मान लेते हैं क्या है, पूरा तो हम लोग मान लेते हैं यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल बाई ठीक है, और ये हम लोग मान लेते हैं एक्स यहां की 88.2। अब यहां पर 88.2 पूरी है लेकिन हमारा एंगल कहां से बन रहा है तो यहां से यहां तक बनेगी 87 मीटर, यहां से यहां तक 87। ए बी सी डी एंड ई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1060 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी अपॉन बी सी ए सी अपॉन बी सी ठीक है। एसी है आपका 87 और बीसी है आपका एक्स, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 87 अपॉन रूट रूट थ्री एक्स इक्वल टू 87 आ जाएगा एक्स इक्वल टू है 87 अपॉन। अब आता है ट्राइंगल बी डी ठीक है 10-30 डिग्री इक्वल आएगा पर बेस डी ई अपॉन डी
1 upon root 3 b कितना आपका हुई 87 और bd आपका तो y इक्वल है 87 root 3 for the purpose of calculation of distance that is y minus x ये पूरा y x में से क्या निकालना है आपको समझे y minus x y कितना आपका root 3 minus 87 upon root ऐसे मिलू क्या 87 इंटू 3 माइनस 80 यह आ जाएगा आपका 4 170 कितना आएगा आपको रूट अब यह आंसर सही है लेकिन रूट के लिए आप आंसर निकालना समझा देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट क्या आएगा 174 रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 174 इंटू रूट 3 अपॉन 3 अपॉन इसको अगर हम सॉल्व करें 5 टाइम्स और फिर कितना बचा है 58 इसके सुगारे 58 रूट 3 दैट इज आंसर इज दैट कवर बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल लिखो है यहां से यहां हो गया ये हो गया ये पूरा भाई ये इसमें से क्या करेगा बलून यहां से यहां गया बलून बलून पहले यहां था यहां से क्या गया है तो इसके बीच का क्या निकालना आपको डिस्टेंस तो इस टोटल वाई में से मैंने एक्स निकाल दिया किसका बचा है ये और ये दोनों सेम है जैसे हाइट से वैसे डिस्टेंस भी ठीक है तो ये स्ट्रेट आई विल लीड टू द फुट ऑफ द टावर टावर के जीरो से लो टावर के नीचे से क्या कर रहे हैं एक हाईवे निकल रहा है अब क्या एक मेरा मेन चाहिए था टॉप ऑफ टावर एक व्यक्ति जो है वो टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है और वहां से कार को देख रहा है जिससे उस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का पता है 30 डिग्री जो क्या यानी एक ही स्पीड में हाईवे से जो टावर का जो नीचे का है बी वाला पार्ट मतलब नीचे का जो पोर्शन है मान लो आगे चली जाओ 6 सेकंड लेटर एंगल ऑफ इक्वेशन ऑफ कार इज फॉर्मली 60 डिग्री पहले उसका कितना था 30 अब कितना हो गया 60 तो हमें ये करना है जहां वो 60 डिग्री पे जहां पर उसका एंगल ऑफ इक्वेशन बन रहा है वहां से टावर के फुट तक आने में उसको कितना टाइम लगने 6 मीटर ये आपका टावर है कितने मीटर ऊंचा है यहां से यहां पर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है यहां से अंदर आपका 30 डिग्री है ना ये आपका 30 डिग्री ये आपका बन गया 30 डिग्री फिर क्या कर लिया अगला फिर ये थोड़ा आगे चला 6 सेकेंड और फिर इनका बन रहा है यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन वापस और वो कितना बन रहा है आपका ये हो गया ये बन रहा है आपका 60 डिग्री यानी ये कितना बन रहा है आपका 60 ठीक है
हमको यहां से यहां की जो जो डिस्टेंस है ना वो कवर करनी है, या तो ए बी सी और क्लियर। हाइट का आप क्या मान लेते हैं, ये देखना बस, ठीक है। तो क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्राइंगल ए सी और 10-60 डिग्री इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। 10-60 का होता है रूट 3, ए डी आता है सी डी आता है एक्स, एच इक्वल रूट 3 एक्स, रूट 3 एक्स। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी और डी, ट्राइंगल ए बी और डी, और वहां पर आपका बनेगा 10-30 इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी मतलब रूट 3, ठीक है। ए डी आपका एच और बी डी है 6 प्लस 6 प्लस एक्स इक्वल टू आएगा एच रूट 3। The value of h to the value of h in the equation number 2 is equal to 2 का नाम देते हैं, 6 plus x, h की जगह आता है root 3x, root 3, तो 6 plus x equal to root 3, root 3 का 3x, 6 equal to 3x minus 2, sorry x, 6 equal to 2x, so x equal to 6 upon 2, x equal to 3, that is your answer. Okay, distance कितनी हो रही, 3 seconds, clear या grounded, okay, पक्का, बोलिए कितनी,